नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी एक बार फिर पहली बातें पे। और आज बात करेंगे दोस्तों एमटीवी एस ऑफ स्पेस, जहां पर क्लास लेने की कोशिश की विकास गुप्ता ने दीपक ठाकुर का। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से दीपक ठाकुर एंड मनदीप गुर्जर ने गैंग अप करके सलमान को परेशान करने की कोशिश की, वो लाइक वो दीपक को शायद शोभा नहीं देता है। शायद दीपक को समझना पड़ेगा कि मनदीप गुर्जर वो डूइंग अ लॉट, मतलब मनदीप गुर्जर जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। लेकिन ये थोड़ा सा अगर ह्यूमैनिटी वॉइस देखेंगे तो वो गलत कि आपका पूरा ग्रुप है एंड आप उसको प्रवोक कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो कि भाई वो आपसे आकर झगड़ा करे। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत दिख रहा था। पर घर में देखने वाली बात थी कि भिंडी बाजार बहुत प्यारी सजी हुई थी, जहाँ पर खुशहाली और इनका हो गया क्या नाम है श्रुति सिन्हा का, श्रुति जिस हिसाब से बिहेव करती है, इस मैं बहुत लाइक करता हूँ श्रुति को एज अ रोडीज से। बट जिस हिसाब से वो पेश आ रही है, आई डोंट नो, वो खुद के दम पे कुछ कर ही नहीं रही है। मेरे हिसाब से श्रुति जो है वो सेकंड यश राजपूत है इन द हाउस। बट मानना पड़ेगा यश से याद आया कि यश ने जिस तरीके का डिसीजन किया कि उन्होंने लव एंड निकिता को घर से बाहर किया, कहीं ना कहीं उन्होंने दो करके दो लोगों को बहुत ज़्यादा अपने रास्तों से सेव किया। कहीं ना कहीं यश ने अपना जो खाता था वो मजबूत किया। जिस हिसाब से बसीर आए थे उन्हें समझाने के लिए, जिस हिसाब से श्रुति आई थी, मनहर आए थे, क्योंकि मनहर आए थे तो वो चाहते थे कि भाई मेरी निकिता बच जाए, तो वो चाहते थे चाहे अब क्या नाम है लव जाए, चाहे मनदीप जाए, चाहे खुशहाली जाए, पर निकिता ना जाए। पर कहीं ना कहीं बहुत ही पॉइंट के साथ सोचा यश ने कि एवरी टाइम निकिता इज नॉमिनेटिंग मी, एंड वही वर्स्ट कॉम्पिटिशन हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा वो यश राजपूत को ही समझती है। तो क्यों ना एक कॉम्पिटिशन खत्म किया जाए, क्योंकि अगर इसको निकालता हो तो मेरे वोटिंग एक कम हो जाएगा मेरे खिलाफ और कहीं ना कहीं मैं सेफ रहूंगा। दोस्तों वही जहां पर अगर उन्होंने मनदीप गुर्जर को दिखा, मेरे हिसाब से मनदीप गुर्जर को निकालना या कुछ भी करना थोड़ा सा मैटर नहीं करता, क्योंकि मनदीप गुर्जर अभी ज्यादा कुछ दे नहीं पाए थे। ही वॉज ट्राइंग कि वो बहुत ज्यादा शो को दे पाए, पर कहीं ना कहीं वो शिकार हुए प्लानिंग के। अगर एक बार अप्रोच करते तो शायद वो पलट सकता था, पर अभी भी लव के ऊपर से खतरा टला नहीं है, डैगर कार्ड उनके पास है, पता नहीं उनके साथ क्या होगा। आपको क्या लगता है यश राजपूत का डिसीजन क्या सही था? ये श्रुति जिस हिसाब से, श्रुति खुशहाली रश्मि एंड प्रकृति जिस हिसाब से झगड़ा करती है, वो क्वाइट गुड। क्या ये इरिटेटिंग नहीं लगता? मुझे तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। एंड क्रिसैन कहीं ना कहीं जो सेफ तरीके से खेल रही है गेम, आगे जाके वो बहुत मजबूत तरीके से फंसने वाली है ऐसा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि अब श्रुति वो ऑब्जर्व करना शुरू कर चुकी है कि यार तू बोल देती मेरा नाम, क्यों तूने बोला? अब ऐसा लग रहा है कि मैंने जबरदस्ती मिटाया, हालांकि जबरदस्ती मिटाया लेकिन तुझे मालूम ही नहीं तू बोल रही है। सो वो थोड़ा सा उसमें क्या है, श्रुति नेगेटिव दिख रही है। कहीं ना कहीं क्रिसैन का भी सोचना सही है कि भाई मैं जो कर रही थी वो तेरा नाम बचाने के लिए, और लेकिन अब तू ही बोल देगी कि मैंने किया तो मैं क्या बोलूं। तो जिस हिसाब से देखा जाए क्रिसैन इज ऑल्सो राइट एंड श्रुति इज ऑल्सो राइट, पर क्रिसैन जो सेफ खेल रही है वो गलत है। क्रिसैन शुड बी लाइक नो, आप आके फ्रंट में खेलो ना यार, ठीक है उसने मिटाया, मेरे परमिशन से मिटाया, मैंने, मेरे को पता था, बात खत्म। लेकिन उनको खुशहाली के नजर में गलत नहीं बनना था, इसकी वजह से उन्होंने बोला नहीं। आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत, फटाफट लिख डालो यार। एक क्रिसैन जो है वो स्मार्टली प्ले कर रही है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगला एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख डालो, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट टू माई चैनल पहली बातें।